मेमोराइजिंग भी और प्रोसेसिंग भी, प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है सब कुछ। मेरे जीवन में मेमोराइजिंग भी है, हुई है, और प्रोसेसिंग भी हुई है। तो स्पष्ट है दोनों चीज़ें आपके जीवन में भी हुई है। अगर आप दोनों को देख पाते हैं तो आपको बोध है, और अगर दोनों को नहीं देख पाए तो वो सारा ही बोझ है। अगर आपका बच्चा या आप स्टडी प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उससे बोध होगा, और अगर वो मेमोराइजिंग कर रहा है तो उससे बोझ होगा। और बोझ देखना है उसके चेहरे को देखिए आप। अगर वो स्कूल से छुट्टी करके आ रहा है तो बोध में आ रहा है, तो ऐसे आएगा, मज़ा आ गया आज तो, आज हिंदी में जो मज़ा आया, इंग्लिश में जो आया, ओ हो हो हो, गज़ब हो गया आज तो। और बोझ होगा ना, हाँ हट जाऊँगा बेटा, क्या हो गया, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, कैसे बोझ तले तू दबा हुआ है, तुझे चाहिए सिंकारा, तुझे कौन से बोझ ने मारा, बोले एक हो तो बताऊं, मैं इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं, मैं कैसे मैम और मॉम को लड़वाऊं ताकि मैं किसी तरह बच जाऊं। क्योंकि दोनों एक ही भाषा बोलती हैं। मेमोराइजिंग कर ले बेटा, दोनों के अपने अपने लालच हैं, असल में कमजोरियां हैं, डर है। तो उन बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इससे भयानक, इससे दर्दनाक, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता। अगर बच्चों को मेमोराइजिंग कराई जा रही है तो वो बोझ है। किसी भी काम को करने में अगर आपको बोझ महसूस होता है तो समझ लेना गलत प्रोसेस है। किसी भी काम को करने में आपको आनंद मिलता है तो समझ लेना वो बोध है। ये कहा जाता है प्यार में डूब जाओ, स्टडी में डूब जाओ, बिजनेस में डूब जाओ, सारी चीज़ों में डूब जाओ। सारी चीज़ों में डूबना सिखाते हैं लोग, और जब डूब जाते हैं उसको मेमोराइजिंग कहते हैं। और डूबने के लिए चाहिए होता है भंवर, और उसकी ये पहचान है कि उसमें आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर डूबना है तो रिवाइज करो, और अगर तैरना है तो समझ लो, अंडरस्टैंड करो। अगर आप किसी भी चीज़ को बार 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 गोल 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 आप रिवाइज कर रहे रिवाइज कर रहे रिवाइज कर रहे, तो समझ लो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आप डूबने का फार्मूला अच्छे से समझ गए। कभी भी अगर डूबना है तो रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा रिवाइज कर रहा है, आप कोई गाना रिवाइज कर रहे, आप कोई भी काम रिवाइज कर रहे, किसी इंसान के बारे में बार बार आप सोच रहे, अगर आप अपने बच्चे को कुछ भी मेमोराइज करा रहे हैं, मीन्स याद करा रहे हैं, मीन्स रिवाइज करा रहे हैं, तो आपने उनके दिमाग के अंदर भंवर तैयार कर दिया है। अब उसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता, ये तय मान लें, और इसकी जिम्मेदारी लें कि यस, अगर ये डूबा है तो ये मेरी वजह से डूबा है। फिर आप और मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कि आपको भी किसी और ने डुबोया था, आपने बदला ले लिया, अब आप संतुष्ट हैं। तो आप बदलाव लाएं, फिर स्टडी प्रोसेसिंग सीखें, और स्टडी प्रोसेसिंग में आपने कुछ भी नया नहीं करना है, वो ईश्वर की देन है, वही ताकत उसको वापस करनी है। और वो दो ताकत थी, दो पंख थे जिनसे वो उड़ सकता था, वो पंख छीन लिए गए उससे। एक थी पिक्चर्स बनाना, ये पूरे यूनिवर्स, पूरे जगत जो भी बना हुआ है, जो चल रहा है, ये क्रिएटिव पिक्चर्स के थ्रू चल रहा है। पूरा साफ साफ दिखता है, पेड़ों का पिक्चर, जानवरों का पिक्चर, इंसान का, लीवर का, ये हॉल का, सड़क का, आसमान का, सारे पिक्चर्स फॉर्म में है ये सारा का सारा। तो इसको पिक्चर्स वो बनाना चाहता था, आपने देखा होगा एक डेढ़ साल का बच्चा होता है तो पूरी दीवारें पिक्चर्स से रंग देना चाहता है। उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, तो सवालों के जब कोई जवाब ऐसे नहीं दे पाता, छोटा बच्चा ना, आपने देखा होगा जो छोटा बच्चा पैदा होता है तो अपने हाथों से इशारा करता है, हु आर यू, व्हाट इज़ दिस, पूरा सवाल करता है, ये क्या है, ये कौन है, ये मुझे जो घेरे खड़े हैं ये कौन है, ये मुझे जो गोदी में उठाने को आतुर हैं ये हैं कौन लोग, ये है क्या, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। वो पैरों से भी सवाल पूछता है, हाथों से भी पूछता है। तो हम कहते हैं ये खेल रहा है,
हम कहते हैं कितना खेल रहा है, देखो वो खेल नहीं रहा है, वो सवाल पूछ रहा है, उसके पास खेलने की फुर्सत किधर है, वो सवाल पूछ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आती, ये बॉडी लैंग्वेज को समझते नहीं है। तो पहले तो उसको लगता है मैं गलत प्लेनेट पे आ गया, तो घबरा भी जाता उनको देख करके, ये कौन है ये लोग सारे के सारे। फिर वो कहता है अच्छा चलो ये लैंग्वेज समझ में आई, तो वो पिक्चर्स बनाकर कि कम से कम जो नेचुरल चीज़ है उसको समझ जाएंगे, तो पिक्चर्स बनाता है। आपने देखा होगा दीवारों पर पिक्चर बनाता है, बड़े भैया की कॉपी ले लेगा, उसमें गोले गोले खींचेगा। अब वो गोले गोले भी समझ में नहीं आती, वो कहता है पूरी दुनिया गोल है, ये शून्य है, ईश्वर बोले शून्य, बोले आप कौन बोले शून्य, ये पूरी दुनिया कौन बोले शून्य, बोले ये सब शून्य है। वो शून्य बनाता है, सब कुछ बना के बताना चाहता है। प्रोसेसिंग बचपन से लेकर पैदा होता है, यहाँ पर आता है तो फिर वो पिक्चर्स बनाता है और क्वेश्चंस करता है। इस पिक्चर को देखता है तो बॉडी लैंग्वेज से क्वेश्चन करता है, और पेपर पे वो गोले गोले सब बनाता है, तो उसको वो पिक्चर्स बनाता है और क्वेश्चन करता है, मामा ये क्या है, पापा ये क्या है, ठीक, ये सब क्वेश्चन करता है। तो ये दोनों पावर, ये दो पंख हैं, तो हमें अपना काम करना है। पूरा यूनिवर्स कह रहा है प्रोसेसिंग करो, पूरा यूनिवर्स, ये हवा कह रही है प्रोसेसिंग करो, पौधा उग रहा है, ग्रो कर रहा है ना, ये प्रोसेसिंग है। और पूरा हिंदुस्तान कह रहा है मेमोराइजिंग करो बेटा। एक मज़े की बात बताता हूँ आपसे, कोई 50 साल का व्यक्ति हो, उन सब को 50 लोगों को स्कूल में बुलाओ और उनसे एक हफ्ते मेमोराइजिंग कराओ, देखो क्या होता है। उनसे कहो 6 पोयम, 50 क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, और अगले हफ्ते टेस्ट होगा, 100 में से 100 नंबर आएंगे, एक भी नज़र नहीं आएगा उस गलियों को, इतनी तो अकल आ गई हमको, हम मेमोराइजिंग नहीं करेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे सारे के सारे। तो जो काम अपने लिए गलत हो सकता है वो बच्चों के लिए सही कैसे हो सकता है, जो चीज़ हमें डुबो रही है वो बच्चों को तैरना कैसे सिखा देगी, हमें ज्ञान ही नहीं इस बात का। तो पूरा यूनिवर्स कह रहा है प्रोसेसिंग करो, और वो मेमोराइजिंग करके भी दिखाता है, उसके परिणाम भी दिखाता है। कैसे दिखाता है थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। पहली मेमोराइजिंग होती है समुद्र में, और प्रोसेसिंग भी होती है, विशाल जो समुद्र है उसमें प्रोसेसिंग होती है, और थोड़ी सी जगह मेमोराइजिंग होती है, जिसे भंवर कहते हैं, गोल 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 घूमना, उसमें हवाई जहाज चले जाए, उसके अंदर कोई नाव चली जाए, इंसान चला जाए, कोई लकड़ी चली जाए, वो कड़प गया, ठीक, दूर से बड़ा सुंदर दिखता है, वाह मूवी में बड़ा सुंदर दिखता है, अरे कैसे घूम रहा है गोल गोल, ये देखने के लिए सुंदर है, डूबने वाले के लिए सुंदर नहीं है। दूसरी मेमोराइजिंग होती है हवा में, गोल गोल करके हवा ऐसे ऊपर की तरफ उठती है, उसको बवंडर कहते हैं, कागज़ देखा होगा आपने, इस तरीके से कोई भी चीज़ें ऊपर की तरफ उठती है, जो शांत शीतल हवा चल रही है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं, और गोल 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 जो हवा चल रही है ऐसे गोल गोल उसको मेमोराइजिंग कहते हैं। तीसरी जगह होती है पृथ्वी के अंदर, जब वो गोल 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 घूमता है और जब ऊपर की तरफ आता है उसे भूकंप कहते हैं, वो मेमोराइजिंग है। एक ही जगह जो घूमता रहता है, छोटी सी चीज़ फंस जाए तो वो घूमती रहती। पांचवी चीज़ होती है आसमान में, वो जो बादल है वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, अकाउंट में इकट्ठा हो जाता है ना, FD हो जाती है असल में, तो FD हो गई है तो वो टूटेगी भी, ठीक। तो वो ऐसे ऐसे बादल घूमता है, और घूमते घूमते धड़ाम बादल पड़ गया साहब, मेमोराइजिंग है वो। इस तरीके से हवा में, पानी में, एक होती है आकाश में, जिसे आप बिजली कड़कना कहते हैं, तो आकाश की मेमोराइजिंग है। तो ये सब हमें ये दिखा रहा है, संकेत देता है, प्रकृति हमें संकेत देती है। आपको जो भी कुछ दिख रहा है बाहर, वो संकेत है आपके लिए, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हम उसके संकेतों को पकड़ नहीं पाते और उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं, हमको आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही, हाथ जुड़वाओ, हमें तो एक काम आता, हाथ जुड़वाओ, जो हमें समझ में नहीं आता वहाँ हाथ ही जोड़ लेते हैं हम बस।
तो समझ में समझने के लिए है वो। और वो कहता है बादल फट गया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो कहता है मैंने तो मेमोराइजिंग, मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मैंने मेमोराइजिंग पानी में करके दिखाई, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। समुद्र कहता है मेमोराइजिंग से मेरा नहीं बिगड़ना कुछ भी। पृथ्वी कहती है ये मेमोराइजिंग से मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मैंने तो एग्जांपल दिया आपको, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इस मामले में। हवा कहती है मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, मैंने मेमोराइजिंग करके दिखाई है। वो आकाश कहता है मैंने मेमोराइजिंग करके दिखाई है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना। ये जो पीछे चक्र है ना, ये वही है, इसे समझ लें अच्छे से, ये वही चक्र है। वो कहता है अगर आपके माइंड में मेमोराइजिंग हो गई, आप गए, अपना सोचो। तो ये मेमोराइजिंग बच्चा बिल्कुल नहीं करना चाहता। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेमोराइजिंग करने को राजी हो, एक भी नहीं। लेकिन मजबूरी है, उसको कराना पड़ेगा, मजबूरी। तो मेमोराइजिंग और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में दो ही चीज़ें हैं, वही बचपन की शक्तियाँ, वही दो पंख वापस करने हैं। और जो इन दो पंखों को मजबूत बना लेगा वो इस पूरी दुनिया में प्रोसेसिंग करेगा और आसमान में उड़ेगा। वो है पिक्चर और क्वेश्चंस। इस दुनिया पर आपको पिक्चर और क्वेश्चंस बनाने हैं, उसको स्टडी प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो भी आपको बाहर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, स्टडी प्रोसेसिंग में हम क्या करना है, हमें बाहर जितने भी कई तरह के पेड़ हैं, वो लिप्टिस का पेड़ है, इधर बैंगन का पेड़ है, इधर 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 बहुत सारे तरीके का पेड़ है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले बेस तैयार करें, सबसे पहले प्रोसेसिंग होगी यहाँ माइंड, फिर होगी पेपर में, फिर होगी बोर्ड पर, फिर होगी वीडियो में, और फिर होगी फील्ड में। पांच जगह प्रोसेसिंग होगी। पहले माइंड में, तो पहले जाएं देखें कोई भी पेड़, उसको देखें अच्छे से, फिर आँख बंद कर लें, फिर उसकी जड़, उसके पार्ट कर लें, जड़ को देखें, अच्छा जड़, आँख बंद कर लें, देखें कि जड़, हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक है, उसकी मोटाई, हाँ ठीक है, उसकी गोलाई, हाँ ठीक है, उसकी ऊंचाई, हाँ हाँ ऐसे। प्रोसेसिंग का पहला रूल, जो भी देख रहे हैं चेक करें आपके माइंड में पिक्चर बनी या नहीं बनी। अगर इस तरह की 100 पिक्चर्स आप बना लेते हैं, और आज शाम तक 5 बजे तक 100 पिक्चर्स बनानी हैं, 100 पिक्चर्स बनानी है। किस किस चीज़ की बना सकते हैं, जो आपको दिख जाए। यहाँ हॉल की पिक्चर बना सकते हैं, पंखे की अलग बना सकते हैं, जिस सोफे पर आप बैठते हैं उसकी बना सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है बाहर, जो दिख रहा है, आसमान की बनाओ, रात में तारे की बनाओ, अपने घर की बनाओ, घर में जो बुरा लगता है उसकी बनाओ, जो अच्छा लगता है उसकी बनाओ, अपने लीवर की बनाओ, किडनी की बनाओ, आंतों की बनाओ, समोसे की बनाओ, आंतों के साथ समोसे की मैचिंग कराओ, देखो मैचिंग होती है कि नहीं, 36 का आंकड़ा दोनों का, मैचिंग तो कराओ। हमारे पास समोसे की तो पिक्चर है, लीवर और किडनी आंतों की पिक्चर ही नहीं है, किधर से मैचिंग होगी। ठीक, लीवर किडनी आंतों की पिक्चर एक साइड बनाओ, एक तरफ समोसे की बनाओ, देखो क्या होता है, सारा गेम समझ में आ जाएगा। तो पिक्चर्स बनाओ, तो हर चीज़ की बनाओ, खाने पीने के सामान की बनाओ, जो आपको दिखता है बाज़ार में वो बनाओ, किचन की बनाओ, 100 पिक्चर्स आपने बनानी हैं, और हर पिक्चर पर 10 क्वेश्चंस करने हैं। क्या क्वेश्चन करने हैं नोट कर लीजिए, उसकी वैरायटी, यह क्या है, यह कौन है, ये कौन है, कौन पहले बनाए, क्या, कौन, कब, कब से, कब तक, क्या, कौन, कब, कब से, कब तक, यानी कब से है, कब तक, वैरायटी है क्वेश्चंस की। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हर चीज़ पर
ये 10 या 12 तरह के क्वेश्चंस बनाने हैं, यानी एक पिक्चर पर 10 से 12 क्वेश्चंस बनाने हैं। तो ये हो गए आपके मटेरियल, ये मटेरियल है। इसके बाद ये मटेरियल के साथ एक मटेरियल आप जोड़ेंगे तो फिर से उसके पिक्चर्स बना सकते हैं। जी हाँ, माइंड, पेपर, बोर्ड, वीडियो, फील्ड, 5 जगह काम होता है। 5 जगह ही मेमोराइजिंग होगी, 5 जगह ही प्रोसेसिंग होगी, 5 जगह ही आप आनंदित रह सकते हैं और 5 जगह धक्के खाएंगे। चॉइस आपकी है। माइंड बड़े बड़े धक्के खाते रहेंगे, पेपर पे जब बनाएंगे तो हाथ कांपेंगे, अगर मेमोराइजिंग करोगे, जितने मेमोराइजिंग करने वाले हैं सबके हाथ कांपते हैं एग्ज़ाम के टाइम में, एक भी ऐसा नहीं जिसका हाथ ना कांपे। जब पेपर आता ना ऐसे हिलता है हाथ, बस समझ लो डूबा हुआ है ये। एग्ज़ाम के टाइम में एक वीडियो बनाओ, जैसे ही पेपर मिले उसके हाथ क्या करते हैं, समझ लेना इसकी कहानी ख़राब है, डूबने वाले प्रोसेस में चला गया ये। ठीक, इंटरव्यू के टाइम पे उसकी धड़कनें सुन लो, अगर यूँ तेज़ हो जाए ना, समझ लो कहानी ख़राब है इसकी, डूबने वाले मेथड में चला गया ये, किसी ने बदला ले लिया इससे। जी फील्ड माने बाहर, प्रैक्टिकल स्थूल, जैसे मुझे रोटी बनाना है तो रोटी बनाना है, रोटी कैसे बनेगी, तो किसी ने बताया रोटी में ना आटे को हम पहले छानते हैं, तो आटा छन गया माइंड में, अच्छा ऐसे होता है, ओके ठीक है। अब मैंने पेपर पे आटा बनाया, छलनी बनाई, ये छलनी, ये आटा और थोड़ा बहुत ये परात और थोड़ा आटा गिरा दिया साइड में, क्योंकि पहली बार में तो ऐसे ही होगा, ठीक हो गया। इसके बाद माइंड, पेपर, फिर बोर्ड, बोर्ड पे बना दिया वो छलनी, आटा और थोड़ा इधर उधर गिरा हुआ, बोर्ड हो गया, फिर उसकी वीडियो बना दी, और इसके बाद फिर परात ली, आटा लिया छलनी से और सारा ही बाहर गिरा दिया, ऐसे ही होगा पहली बार में तो। लर्निंग बाई डूइंग, यह है डूइंग बाई लर्निंग, पहले लर्निंग करेंगे, पहले डूइंग करेंगे। दो रास्ते हैं ना, जैसे पहले मुझे, हाँ जी एक ही बात है, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है, डूब के या तो डूब के सीख लें या सीख कर डूब लें। फिर दोबारा से बता रहा हूँ, एक ही बात है, एक ही बात, मुझे अलग अलग लग रहा है ना इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हमने किसी को डूबते हुए देखा तो उसकी पिक्चर हमारे माइंड में आ गई, हमने कॉपी पे बना ली और बोर्ड पे बना ली और उसकी वीडियो बना ली, ठीक है, ये हो गया लर्निंग। एक हो गया मेरे, मुझे ये समझ नहीं आया, पहले मैं डूब जाऊँ उसके बाद मैं लर्निंग करूँगा। एक ही है ना मैम दोनों, क्या ठीक रहेगा, पहले लर्निंग या पहले डूइंग? आवाज नहीं आई, क्या करें पहले? हाँ जी पहले लर्निंग पहले डूइंग? और बड़े बड़े बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं पहले डूइंग, वो डूइंग नहीं कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं वो डूबिंग, डूबिंग डूबिंग, पहले डूबिंग, प्यार में पहले डूबिंग, पानी में पहले डूबिंग, पढ़ाई में पहले डूबिंग और उसके बाद लर्निंग, फिर सब समझ में आएंगे। लर्निंग बाय डूइंग, अगर अंतरिक्ष पे के बारे में हमें लर्निंग करना है तो पहले डूइंग है ना, सही है ना। मेमोराइजिंग को समझ में समझना है तो पहले मेमोराइजिंग करो, उसका एंजॉय करो, फील लो है उसका। वो बता रहा है कि अगर हवा कह रही है मुझसे सीख लो ना, लर्निंग बाय डूइंग। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक महानुभाव ने बताया था,
यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है, ये हवा पानी ये यूनिवर्सिटी है या वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये है यूनिवर्स। जिसे यूनिवर्स का ज्ञान हो वो यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी बनेगी, या वो एक दीवार खड़ी करके और 10-20 लोगों को मिला करके वो कुछ भी बोलें वो यूनिवर्सिटी हो गई। किसे कहेंगे यूनिवर्सिटी भाई? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं? वो सेटिंग की है, सेटिंग, सेटिंग यूनिवर्सिटी, ये नन्नू सी सेटिंग, वो गोल गोल घूमिंग, उसी में डूइंग और उसी में डूबिंग। हाँ जी, कोई शक नहीं, नहीं कोई शक, पहले ये बताओ, नहीं नहीं क्वेश्चन है वो, कोई शक है आपको मेमोराइजिंग होती है नहीं? ओके, अब क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है, बादल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पानी को कर रहा है, और बिजली जो कर रही है वो आकाश को कर रही है। बादल में बिजली नहीं, आकाश में बिजली, क्या सुना है आपने? जो चिल्लाता है ना, चिल्लाता है, ये जो चिल्ला रहा है वही चिल्लाएगा जो खाली हो अंदर से, जिसके पास कोई धनिया पुदीना ना हो, वह चिल्लाएगा एक कर दूंगा वो कर दूंगा मैंने कर दिया। बिजली की तरह कोई भी करके समझ लेना, कुछ नहीं है इसके पास जी। तो मेमोराइजिंग एक संकेत है, बहुत थोड़ी सी जगह में होती है, संकेत के लिए है कि बाकी जो हो रहा है प्रोसेसिंग उसका आनंद लो। वो राम है, वो रावण है, वो राम है प्रोसेसिंग, ये रावण है, वो कृष्ण है, ये शकुनी है। शक जरा सा होता है ना, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, उसी में वो दुर्योधन को भी ले लेता है, हम तुम्हारा मामा हूं, तुम भी घूमो हम भी घूमें, तुमको हम खूब घुमाएंगे। ठीक, ये शक मेमोराइजिंग है, एक पेट में मेमोराइजिंग होती है। आपने देखा होगा जो चीजें पचती नहीं है वो गोल गोल घूमती हैं, बोले पता नहीं क्यों गैस का गोला सा उठ रहा है ऊपर को, पता नहीं हमने तो ऐसा कुछ खाया नहीं, बिना खाए गैस का गोला उठ रहा है साहब, पिक्चर नहीं बनाई ना, क्वेश्चन नहीं बनाए ना, तो गोला ही उठेगा और वो ऊपर की तरफ को आता है, पता नहीं क्यों घुटनों में दर्द रहता है, अजीब सा रहता है ऐसा ना। अब तो जरा सा समोसा खा लो, पहले तो हम 8-8 खा जाते थे, घर में 8 ही समोसे आते थे, पूरा कब्जा हमारा ही रहता था, अब तो समोसे जरा सा खा लेना। अभी मैंने सुबह ही खाए 3 समोसे, लेकिन समोसे का ना अजीब दिल नहीं करता मेरा। ठीक, तो समोसे खाने के बाद अजीब सा हो रहा है एकदम से। अब ये पकौड़ी कह रहे हैं क्या, ये क्या चीज है ये? ये कुछ बनाया है इन्होंने, आपके माइंड में जो जो मेमोराइजिंग होगा उसके अलावा कुछ भी बनेगा नहीं। आपके माइंड से जो भी कुछ बनेगा बिना देखे समझ लेना वो मेमोराइजिंग ही है, वो पहले से ही बना पड़ा है माइंड में, तो पहले ही बना पड़ा है, ये सेकंड स्टेप है, फिर बोर्ड, फिर इसका वीडियो बन जावे और फिर इससे युद्ध बाहर होगा, पहले अंदर होगा फिर पेपर पे होगा फिर बोर्ड पर होगा फिर वीडियो में होगा फिर फील्ड में होता है। क्लियर हो गया?
ली। रावण को जलाया जाता है, काफी लोग मुझसे पूछते हैं ये बनवा के जलाते क्यों हो, घर ले जा रावण को है? जो भी आपके माइंड में मेमोराइज हो रहा है वो सब जलाने योग्य है, ठीक। तो पेट में भी मेमोराइजिंग होती है, माइंड में भी मेमोराइजिंग होती है। पेट की मेमोराइजिंग फिर भी ठीक हो सकती है, उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और आपने देखा होगा, अगर आपने कहा गैस का गोला सा उठ रहा है तो वो डाइजीन देगा, कहेगा इसे निकाल बाहर को, बोले गैस की प्रॉब्लम, बोले गैस की नहीं है, पहले कोई भी चीज़ जो आपने खाई है तो कुछ चीज़ें पच जाती हैं और कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जो बच जाती हैं वो रुक जाती हैं, और आपके हिसाब से वो रुक गई हैं, रुकता कुछ नहीं है, वो घूमती हैं और घूमते घूमते सड़ती हैं, और जब वो सड़ती हैं तो उसमें से गैस का गुब्बार उठता है, जिसे लोग गैस के नाम से जानते हैं। अगर वो सड़ा हुआ नहीं है तो उसकी गैस बनेगी नहीं। तो पहले अगर गैस की प्रॉब्लम किसी को है तो अंदर सड़ने की प्रॉब्लम है, तो गैस की दवाई ना लें, वो जो सड़ा हुआ है उसे बाहर निकालने की दवाई लें। और आगे से ध्यान रखें कि अंदर कोई भी सड़ने ना पाए, बॉडी में भी और माइंड में भी। कुछ भी आप बॉडी में खाते हैं उसके दो पार्ट होने चाहिए, और ये दो पार्ट तब होंगे जब आपका लीवर, हार्ट, किडनी, आपका प्रोसेसर अच्छा होगा। अंदर जैसे ही जाए, उसके प्रोसेस हो जाए, उसके दो पार्ट हो जाए, एक पार्ट आपको ऊर्जा से भर दे और एक पार्ट तुरंत ही बाहर निकाल दें। बोलिए। थैंक यू, मैंने थैंक यू भी तो बोला था आपको। हाँ, आप तो कुछ भी बना सकते हैं ना, आप एक क्रिएटर हैं, और क्रिएटर तो क्रिएट कर सकता है कुछ भी, सिंपल है। तो हाँ, आपको दोनों चीज़ें, आप कुछ भी कर रहे हैं। आपको पता है किसान शाम को जब खेत में फसल लगा के आता है, गेहूं बो के आता है, पानी लगा के आता है, दिन भर मेहनत करता है ना, लेकिन उसके चेहरे पर आप देखेंगे तो रौनक होगी, क्योंकि वो बोध है। आप कहीं पे जॉब पे जा रहे हैं, अधिकतर लोग शाम को आते हैं, मेट्रो में आ रहे हैं, घर पे आए, चाय है क्या? अरे, और वो कपिल शर्मा लगा दियो जरा। मैं हूं नौकरी के बोझ का मारा, मुझे चाहिए चाय के साथ सिंकारा है। आपकी वीडियो, अब ये मत कह देना आपको सब पता है। अधिकतर लोग जो घर पर, दो कैटेगरी हो गई ना, बालक गया वहाँ बोझ, स्टडी के बोझ का मारा, पापा गए वहाँ नौकरी के बोझ का मारा, अभी तीसरा शख्स और रह गया है। अब उन्होंने देखा ये तो गिरा पड़ा है, तो बोले चाय, तो वो तो गिर के ही बोलेगा, गिर तो जाऊं पहले, ठीक है। तो अभी वो ऐसे ही गिरा, जरा चाय बना दियो जरा, तुम्हें चाय की पड़ी है, यहाँ पे पूरे बर्तन पड़े हुए हैं, और वो वहाँ से फ़ोन आया था, और ये पढ़ता नहीं है, पूरा होमवर्क लग गया, और ये ट्यूशन भी ना गया आज,
अच्छा ट्यूशन ना गया? क्यों रे ट्यूशन ना जाता तो बेटा पढ़ाई करते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है बेटा। देख पढ़ाई करने से बेटा मेरी जैसी हालत हो जाती है बेटा, पढ़ाई करो बेटा। तीनों ही बोझ के मारे ये मेमोराइजिंग है, गलत मेथड है। प्रोसेसिंग में अगर मेहमान आ जाएं तो ऐसा लगता हो हो कब के बिछड़े, आज हम कहाँ आके मिले। मेमोराइजिंग में आ जाएं रहने दो। मेमोराइजिंग वाले मेहमान देखने, वो जो तुम्हारी बहन के बच्चे हैं ना, उधम उतार रखा है उन्होंने सुबह से। यहाँ पे ये दूध था आधा किलो, वो गिरा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब तुम कहोगे कि चाय बनाओ, नींबू की चाय मिलेगी आपको, कभी चक्कर में हो कि अब दूध की मिलेगी। हाँ, और ये कब जाएंगे ये? अब मैं पहले ही मना कर रही थी तुमसे कि ये तुम अब मानते नहीं ना, तुम तो मेरी बात कभी मानते ही नहीं हो, हमें तो तुम समझते ही नहीं, हम पे तो दिमाग है ही नहीं। और ये तुम्हें पता नहीं किसने बता दिया कि हम पे दिमाग नहीं है? सारा दिमाग तो आपके पास ही है। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अपना चले जाएंगे एक आध महीने में। हैं, एक आध महीने? बच्चे ही तो हैं हमारे, बच्चे उनके बच्चे, एक ही बात। हमारे मेरे बच्चों से तुलना मत कर दियो उनकी। मेरे बच्चे बच्चे, मेरे बच्चे सच्चे, उनके बच्चे कच्चे। और वो तुम्हारी जो बुढ़िया है, वो बुढ़िया बुढ़िया कौन है तुम्हें नहीं पता बुढ़िया कौन है? तुम्हारी माँ भी तो आई थी पिछली बार, मैंने तो कुछ ना कही, तुमने ना कही है? मेरी माँ को भी कहा, और मेरी माँ की माँ को, और उसकी माँ के माँ को क्या क्या कही है, मुझे पता है कि लिख के दूँ तुम्हें अभी। हम तो कुछ कहते नहीं, बोले कहा नहीं, अब कह लो भाई। ये है मेमोराइजिंग वाले मेहमान, मेमोराइजिंग वाली जिंदगी बहुत खतरनाक है। किसी ने देखी ऐसी जिंदगी? देखो दो तीन लोगों ने देखी है। एक बार एक कैमरा घुमा के मेमोराइजिंग वालों के लिए तालियां तो बजवा दो। तो जहाँ पर जो चीज़ खोई है वो वहीं मिलेगी, और वो मिलेगी स्टडी प्रोसेसिंग से। कि एक बार एक बुजुर्ग महिला अपनी झोपड़ी के बाहर, पुराने ज़माने की बात है, कुछ ढूंढ रही थी, तो वहाँ से कुछ लोग निकले, तो उन्होंने कहा माँ क्या खो गया है? तो उन्होंने कहा मेरी गिन्नी खो गई है। तो बोले चलो हम ढूंढवा देते हैं। और ढूंढते 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 बहुत देर हो गई, तो किसी ने सवाल कर दिया, बोले एक बात बताओ ये खोई कहाँ थी? बेटा खोने की पूछ रहा है तो तुझे बता देती हूँ, बाकी तो कोई पूछ ही ना रहा, कोई पूछता ही नहीं हमारे यहाँ। तो तू पूछ रहा है तो बता देता हूँ, वो खोई अंदर थी, वो तो झोपड़ी के अंदर खोई थी। तो बोले तुमने मेरा पूरे 3-4 घंटे हमारे बर्बाद करवा दिए, हमें पागल समझ रखा आपने, आप सठिया गई हो? अरे हम माइंडेड लोग हैं, कामदार लोग हैं, मेमोराइजिंग वाले लोग हैं, हमें कितनी मेमोराइजिंग करनी है तुम्हें पता है? सारा काम फैला हुआ है, पूरा ब्रह्मांड हमारे सिर पे घूमता है, अभी भी सिर में दर्द, कब सिर में दर्द हो जाए पता नहीं, जैसे ही स्पीड बढ़ती है दर्द हो जाता है, कब घुटने में दर्द हो जाए, हवा घूमती है, वायु विकार होता है ना, हवा घूमती है घुटने में तो घुटने में दर्द कर देती है, यहाँ पेट में घूमती है तो सीने में
एकदम बवाल सा उठता है, गोल गोल घूमता है, वो दर्द कर देता है। और हमें जो है अपने यहाँ सब उसने काम में लगा दिया आपने कि जी बाहर ढूंढो और खोई अंदर है तो सीधे बता देती, अंदर खोई है तो वहाँ पे ढूंढ लेती। और ये बताओ अंदर तो आप खुद ही ढूंढ सकती थी। तो उन्होंने कहा कुछ ढूंढ तो सकती थी लेकिन अंदर अंधेरा है, अंदर अंधेरा है, अकेले मुझे जाने में डर लगता है क्योंकि हम आए तो बहुत सारे लोगों के साथ है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ज़िंदगी को जिया है ना बचपन से अब तक, और जाने में बड़ा अकेले में डर लगता है। अंदर अंदर वो मासा भी बैठे हैं जिन्होंने बढ़िया करके मेमोराइजिंग करवाई थी, वो अंदर मम्मी भी बैठी हैं जिसने रैप्टा मारा था, सुझा दिया था, बोले सारी दीवारें तूने खराब कर दी, 26,000 रुपये लगाए मौसा जी आने वाले, मौसा जी के सामने बेइज्जती करवागा दो हैं, ये दीवारें मौसा जी के लिए हैं, तेरे लिए तो अपनी समझ रहा है ना, तो गलत फहमी, एक थप्पड़ में गायब, बोले यार ये दीवारें अपनी ना है भाई मौसा जी की है, तो ये जो दीवारों की चमक है इस पर अपना कोई अधिकार नहीं है, इस पर तो किसी और का अधिकार है। ठीक, उसे पता चल जाता है। वो स्कूल जाता है तो वहां पर भी वो सवाल पूछता है, मैम ये क्या है, वो क्या है, मैम देख, मैम ये क्या लिखा है आपने, ये कैसे होगा, ये जो जो बाहर दिख रहा है ये जो पेड़ है ये मैम कैसे उगता है, इधर आ, मारा एक रैप्टा खींच के तो उधर से इधर को घूम गया, बोले इधर देख मैंने जो लिखा है, इन्हें उतार ले चुपचाप, परसों को पेपर है, ये है क्वेश्चन और ये है आंसर, और तुझे अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, इसे भर ले चुपचाप और देख जितना भरेगा उतने नंबर ज़्यादा मिलेंगे। बोले नंबर ये क्या बला है, बोले ये पूछना अपनी मम्मी से और पापा से जाकर, वही बता पाएंगे, इसकी व्याख्या तो वही कर सकते हैं। बोले ये किस काम आते हैं मैम, बोले ये व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलने के काम आते हैं, मौसी के बेटे के नंबर उनको मिलते हैं, उनके नंबर वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो आपस में व्हाट्सअप व्हाट्सअप खेलते हैं तो उस काम आते हैं ये नंबर। तो बोले मेरे क्वेश्चन का क्या होगा, बेटा वही होगा जो मेरे क्वेश्चन का हुआ। तो बोले आप ऐसी कैसे हैं, बोले बचपन में मैं भी तेरे जैसी थी और अब मेरा फर्ज बनता है, तेरी मम्मी ने पैसे दिए हैं, किस लिए दिए हैं, बोले तेरे को अपने जैसा बनाने के, और हम तेरी मम्मी से बेईमानी नहीं करेंगे। ठीक, तो ये चुपचाप उतार ले तो जो चीज जहां खोई है वो वहीं मिलेगी। किस किस को समझ में आ गया कहां खोई है, जरा हाथ खड़ा करो। मिल जाइए, आपको समझ में आया कहाँ खोई है, हैं? अंदर खोई है। अच्छा, वो गिन्नी थोड़ी है जो अंदर खोई है अगर आपका जवाब अच्छा, एक बात बताओ कौन कौन कह रहा है अंदर खोई है ये तो बता दूं, अंदर तो कोई नहीं है बताओ कहाँ कोई है, वो अभी तो बताया है, आंसर बता दिया था मैंने, यही तो पकड़ में आना है, यही तो, या तो मेमोराइजिंग कर लो या प्रोसेसिंग कर लो। किस किस को समझ में आ गया कहाँ कोई है वहीं मिलेगी, 1 2 3 जी सोनू जी बताएं, बचपन में कहाँ पे, स्कूल में कोई तो स्कूल में मिलेगी जाके, और बताओ। हाँ वहाँ कोई है, वेरी गुड, क्या खोया है अगला सवाल, अपनी ऊर्जा और चेतना।
क्यूरोसिटी खो दी और क्रिएटिविटी खो दी हैं। तो अधिकतर लोग सब खो के बैठे हुए हैं और दूसरों को कह रहे हैं तुझे भी खो के ही मानूंगा हैं। तो कैसे मिल सकती है कौन बताएगा? कौन कौन चाह रहा है मुझे वो चाहिए, कुछ मिले या ना मिले मुझे वो चाहिए, मैं वही हूं। किस किस को पता चल गया आज शाम तक मैं अपने आप को पा लूंगा और उसे पाने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं। कौन कौन कह रहा है मैं पालूंगा? पालेंगे अनिल जी, क्या करना पड़ेगा? 100 पिक्चर्स जो बना लेगा और उन पर जो 10-10 क्वेश्चन बना लेगा वो अपने आप को पा लेगा और फिर उसे कोई खो नहीं सकता। इसको कहते हैं स्टडी प्रोसेसिंग। हाँ जी, कितने दिन का प्रोग्राम? मतलब ये शाम तक 5-6 बजे तक बना लो, 9 बजे तक बना लो, कल तक बना लो, कल रात तक तो है, परसों रात भी यहाँ रुक सकते हैं आप। ये आपको तय करना है कितने दिन में आप पाना चाहते हैं। पहले क्या चाहिए आपको? कुछ और चाहिए तो पहले एक काम करो ना, जो और चाहिए वो ले आओ पहले, अपने आप को तो बाद में भी पाल लेंगे, कौन सा लेट हो रहा है क्या है? जल्दी क्या है उसमें, कुछ तो होता रहेगा काम, इसमें क्या है? इतनी अच्छी होती तो मैं कभी ना चाहती। ये भी सही, और मैं भी इतना अच्छा होता तो तेरी जरूरत क्या थी है? आधी लाइन बोली उन्होंने। हाँ जी, तो 100 पिक्चर्स, कृपा वहीं रुकी हुई है, कर और पा, कर और पा, वही है कृपा। तो पिक्चर्स और क्वेश्चन बनाएंगे, लाइव बनाएंगे, जो कुछ दिखता है दुनिया में वो सब बना डालो और उस पर 10 क्वेश्चन बना डालो। आंसर की चिंता नहीं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो बाहर है वो अंदर है। आंसर पूछिए जी। जी बहुत अच्छा। यह क्या है? अगर आपको पता है ये मूली है, नहीं पता तो भाई ये क्या है, पता है तो क्या ये मूली है? ठीक है, पता है तो उस पर भी क्वेश्चन करो, नहीं पता है तो कोई बात ही नहीं है, पता है तो इस पर भी क्वेश्चन करो। ठीक है, ये सफ़ेद कलर की क्यों होती है, ये किस कलर की होती है, ये इतनी लंबी क्यों होती है, इसमें मूछी जैसी क्या है, इसके अंदर ये क्या जड़ें हैं, कुछ मूली छोटी है कुछ बड़ी क्यों हो जाती हैं, इसे खाते हैं या पहनते हैं, इसे खाते क्यों हैं, इसे खाने से हमको मिलता क्या है, फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, किस मौसम में खाना चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कब खाना चाहिए, इसे खाने से मुझे कितना फ़ायदा है और इसे खाने से इसे कितना फ़ायदा है, सब पता चलेगा। मैं अगर खाऊंगा तो ये मुझसे क्या कहेगी? ये असल में बाहर नहीं कहेगी, ये कहाँ कहेगी? ये अंदर कहेगी। तो पहले पूछ लो इससे, है ना, अगर वो नाराज हो तो मत खाओ। जैसे अब मुर्गा है, ये क्या है, क्या ये मुर्गा है, क्या ये बोलता भी है, क्या ये देखता भी है, क्या इसकी आंखें हैं, क्या इसके लेग पीस भी हैं, इसका लीवर भी है, इसमें कलेजी भी होती है क्या? अगर मैं इसे काटूंगा तो ये नाराज तो नहीं होगा, ये चिल्लाएगा तो नहीं, इसे दर्द तो नहीं होगा, इसका ब्लड तो नहीं निकलेगा, और मैं अगर इसे खा लूँगा
तो ये मुझसे खुश होगा या नाराज होगा, ये अंदर जाके मुझसे कुछ कहेगा तो नहीं, इसे तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूं। अगर मैं इसे नुकसान पहुंचा रहा हूं तो क्या ये मुझे भी नुकसान पहुंचाएगा? अब उसे काटो और खा लो। सही रहेगा ना? अब वो मुर्गा कहेगा काटते क्यों नहीं, अब वो आपको देखेगा, आप उसे देखो। दस सवाल अगर किसी ने पूछ लिए तो लोग मुर्गा नहीं काटेंगे। मांस, मन के अंश को मांस कहते हैं, शरीर के अंश को मांस नहीं कहते, मन के अंश को मांस मांस कहते हैं। वो जो मांस हम खा रहे हैं या मांस हम अपना देख रहे हैं या मांस किसी लड़की का देख रहे हैं, मांस किसी लड़के का देख रहे हैं, वो मन का अंश है। मन मांस वो शरीर का अंश नहीं है। कि मांस को, कि मांस तभी अच्छा लग सकता है हमें देखना, खाना, ये मांस तभी फेवरेट हो सकता है जब तक ये हमें मन का अंश दिखाई दे। यदि हमारा मन पूर्ण हो गया, आत्मा में तब्दील हो गया, ये परम हो गया, तो फिर हमें किसी के मन के अंश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमें किसी का मांस ना देखना गवारा, ना खाना गवारा। लोग सोचते हैं शरीर के अंश को मांस कहते हैं, उसे सारांश कहते हैं, मन के अंश को मांस कहते हैं। तो मन के अंश से छुटकारा पा लें, नहीं तो कितना भी मांस खा लें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक, तो जिसे रियलिटी, जिसे क्रिएटिविटी, जिसे ओरिजिनलिटी, जिसे असलियत। सर आपको पानी चाहिए, मैं पानी ले आया हूँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, किसकी जरूरत है? अच्छा ये है लड़का, देखो असल जरूरत ही नहीं है थैंक यू की। गजब, जरूरत ही क्या है थैंक यू की? अरे वाह, अरे ये जरूरत है, ये है वाला, इसे कहते हैं ओरिजिनल। हम मैम कह रही हैं इसे चेंज कर दो। अगर मेरी मम्मा कह रही है तो फिर मुझे चेंज कर दो, तो फिर मैं चेंज नहीं होऊंगा। और जो भी मेरे लिए तारियां क्यों बजा रहे हैं वो सब जरा खड़े हो जाएं। आपकी क्या इच्छा है, इन्हें चेंज करें या नहीं करें? हैं? पक्का? एक बार किसके लिए क्लैपिंग करेंगे? जितने लोगों ने चेंज किया उनके हालात देखे हैं ना आपने? ठीक, तो ये है सर मेमोराइजिंग और प्रोसेसिंग। जहां आपकी प्रोसेसिंग खो गई है वहीं ढूंढिए, और शाम तक मिल जाएगी, कल तक मिल जाएगी, टाइम बहुत है, नहीं मिले तो परसों सही, लेकिन यहाँ से अपने आप को ढूंढ कर ही जाइएगा, यही निवेदन करना है आपसे। धन्यवाद।